नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रही हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की कोई औकात नहीं होती है, वो तो सिर्फ नेताओं की चप्पल उठाने का काम करती हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद उमा भारती ने सफाई दी और कहा कि कुछ निकम्मे नेता अपना निकम्मापन छुपाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स की आड़ लेते हैं। इससे पहले उमा भारती ने मध्य प्रदेश सरकार को 15 जनवरी तक का टाइम देते हुए कहा कि यदि सरकार तब तक प्रदेश में शराबबंदी नहीं करवाती है तो मध्य प्रदेश की महिलाएं सड़कों पर आंदोलन करेंगी और वो खुद उन महिलाओं में शामिल होंगी। मध्य प्रदेश सरकार के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा एक्साइज से आता है और सरकार इसे अपनी सुविधा के हिसाब से बढ़ाती भी रहती है। तो सवाल उठता है कि क्या उमा भारती वाकई में ही मध्य प्रदेश में शराबबंदी करवाना चाहती हैं? क्योंकि नेता लोग अक्सर शराबबंदी पर अपनी राय तभी देते हैं जब वो ऑपोजिशन में होते हैं, और मध्य प्रदेश में इस समय बीजेपी पावर में है और पावर में आने के बाद नेताओं का फोकस अक्सर रेवेन्यू जनरेशन में शिफ्ट हो जाता है। उमा भारती भी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में ही है, तो सवाल यह भी उठता है कि उमा भारती खुद को सरकार के ऑपोजिशन में खड़ा क्यों दिखाना चाहती हैं? वैसे मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार लीडरशिप चेंज की अटकलें लगती रही हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थोड़ी ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी, लेकिन उससे पहले एक नजर मध्य प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। इंदौर में गणेश विसर्जन के दौरान लोगों की आस्था को तार तार करती तस्वीरें सामने आई हैं। जिन गणेश जी की प्रतिमा को सजाकर 10 दिन तक भक्त पूजा करते हैं, उन्हीं गणेश जी की प्रतिमा को नगर निगम के कर्मचारी कूड़े कचरे की तरह पानी में फेंकते नजर आए। आस्था से खिलवाड़ करने के आरोप में नगर निगम के 9 कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया है। इंदौर की जवाहर टेकरी की जब ये तस्वीरें सामने आई तो भक्तों का गुस्सा होना लाजमी है। स्वच्छता में देश के नंबर 1 शहर में भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन के लिए साफ पानी नहीं मिला। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जाहिर की तो नगर निगम के अफसर हरकत में आए और अपने ही कर्मचारियों पर मामला कायम करा दिया। ब्रांडेड कंपनीज के नाम से नकली घी बनाकर उसे बाजार में बेचने वाला एक गिरोह देवास पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे 1 क्विंटल घी और 5 लाख रुपए का माल जब्त किया है। आरोपी अमूल और सांची जैसी ब्रांड्स के नाम पर घी बनाकर उसे आसपास के कई जिलों में बेचते थे। मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों की धरपकड़ में जुट गई है। लोकायुक्त पुलिस ने दमोह जिले की तेंदुखेड़ा नगर पंचायत के CMO प्रकाश चंद पाठक और उनके अकाउंटेंट जितेंद्र श्रीवास्तव को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। CMO पाठक सरकारी ठेकेदार BL बडेरिया से सड़क निर्माण के पेंडिंग बिल पास करवाने के लिए 3.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। ठेकेदार ने लोकायुक्त सागर से शिकायत की, जिसके बाद नगर पंचायत के दफ्तर में दोनों अधिकारियों को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन बड़वानी के जिला अस्पताल में सभी तैयारियों की वायरल फीवर ने ही पोल खोल दी है। आलम यह है कि हॉस्पिटल के सारे बेड्स फुल हैं और अब मरीजों को कॉरिडोर और अन्य जगहों पर जमीन पर गद्दे लगाकर इलाज किया जा रहा है। खुले में इलाज करवाने वालों में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी शामिल हैं। अलीराजपुर जिले के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। जिले से बहने वाले अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं। छलकता गांव में नदी का पुल पार करते समय 2 तमिलनाडु के रहने वाले युवक बाइक समेत पानी के तेज बहाव में बह गए। किस्मत से एक युवक पेड़ में फंस गया तो दूसरा खुद ही तेज बहाव से किनारे पर लग गया। पेड़ पर फंसे युवक को JCB की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। और अब बारी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से जुड़े विवादों की। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी। सर, स्वागत है आपका MP तक पर। सर, उमा भारती जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रही हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की कोई औकात नहीं होती है, वो तो सिर्फ नेताओं की चप्पल उठाने का काम करती हैं। इसके बाद उन्होंने एक सफाई दी और कहा कि सत्ता में बैठे कुछ निकम्मे नेता
अपना निकम्मापन छुपाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स की आड़ लेते हैं। तो सर, कौन सत्ता में बैठा है मध्य प्रदेश में, कौन निकम्मा नेता है और क्या वो निकम्मापन है? देखिए, मुझे लगता है कि इसको बहुत सरल करके समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें वो अपने आप कह चुकी है कि उनको गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया या समझा गया। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। सब 17 साल से यहाँ सरकार चल रही है, तो इसको बखूबी जानते हैं और वो खुद मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने भी ब्यूरोक्रेसी को चलाया है। और बीच में 15 महीने का कार्यकाल एक ऐसा आया कमलनाथ जी वाला, जब कमलनाथ जी ने ब्यूरोक्रेसी का दुरुपयोग किया। अच्छा। बदलापुर की सरकार चलाई, आपने देखा होगा, ओबीसी का आरक्षण उन्होंने खत्म करवा दिया, एक तरफ से दिया, एक तरफ से खत्म करा दिया। नहीं, उमा भारती जी की अगर बात करें, उमा भारती जी पे ही बात करें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे ये समझ में आता है कि जो नेता जो चाहते हैं वो करवा लेते। कमलनाथ जी की इच्छा ही नहीं थी कि कोई चीज डिलीवरी हो, लेकिन दूसरी ओर हम आ जाते हैं। उमा भारती जी तो ये कह रही है कि कुछ निकम्मे नेता हैं, सत्ता में बैठे हैं। सत्ता में बैठे थे, अच्छा अब नहीं है। अच्छा, चले गए, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के कंधे पे डाल दिया कि उनकी वजह से ओबीसी। अच्छा सर, उमा भारती जी ने सरकार को 15 जनवरी तक का टाइम दिया है, कहा है कि तब तक अगर मध्य प्रदेश में शराबबंदी नहीं होती है तो महिलाएं सड़क पर आंदोलन करेंगी और वो खुद भी उस आंदोलन में शामिल होंगी। उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और ये रेवेन्यू जनरेशन का जहां तक सवाल है, एक्साइज ड्यूटी से बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश का रेवेन्यू जनरेट होता है। और बड़ी ये मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जब नेता लोग ऑपोजिशन में होते हैं तब नशाबंदी की और शराबबंदी की बात करते हैं, तो उमा भारती की तो पार्टी पावर में, वो इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? देखिए, उमा भारती जी संत हैं, सामाजिक नेता, राजनीतिक नेता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो राजनीति हमारी समाज सेवा का माध्यम है, तो इसलिए हम लोग तो कभी भी समाज से नहीं हट सकते। तो आप मुझे लगता है कांग्रेस की बात कर रहे होंगे, वो सत्ता में आ जाते तो अलग हो जाते। नहीं, मैं शिवराज जी की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब शिवराज जी ऑपोजिशन में थे तो शराबबंदी की बात करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद नहीं हो रही है। सत्ता में आने के बाद एक भी दुकान नहीं खुलने थी, बल्कि नर्मदांचल की उन्होंने दुकानें हटवा दी। शायद वो आपके संज्ञान में नहीं आया होगा, मैं आपको भेज दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हटाई है नर्मदा, बोलिए ना ये बात। नहीं नहीं, लेकिन शराबबंदी तो नहीं हुई, शराब का विरोधी है। देखिए, कोई कॉस्मेटिक काम करके आप कहें कि हम शराबबंदी करें, ये तो संभव नहीं। आप हमें ये बताइए कि उमा भारती जी, नहीं हमारा एजेंडा नहीं, उमा भारती जी का एजेंडा है। क्या कर दिया? मैं तो बता रहा हूँ ना, शिवराज जी ने क्या क्या किया। जी, तो आप शराबबंदी में नाराज होने लगे, अब मैं बोल देता हूँ। अरे नहीं, उमा भारती जी ने डेडलाइन दी है 15 जनवरी तक की। हाँ जी, देखिए, नशाबंदी हमारी पहली प्राथमिकता है, नशाबंदी के माध्यम से लोग शराब का सेवन बंद करें हमारी दूसरी प्राथमिकता है, ग्रेजुअली होता है, क्योंकि समाज में सुधार नीचे से आता है, तंत्र में सुधार ऊपर से आता है, ये वैधानिक दर्शन। सर, ऐसा तो नहीं है कि शराबबंदी पर एजिटेशन के नाम पर उमा भारती खुद को रेलेवेंट बनाना चाहती है? नहीं, हम नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही है, उमा भारती चाह रही है, ये सवाल है। हमने तो वो बता दिया। तो क्या उमा भारती जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की भी एक उम्मीदवार हैं? देखिए, उमा जी हमारी वरिष्ठतम नेताओं में से मुख्यमंत्री रह चुकी है, और भी बन सकती है। आप क्या चाहते हो? नहीं, आप क्या चाहते हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ तो निर्णय ऊपर से होते हैं, हमारे यहाँ निर्णय विधायक दल करता है, हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड करता है। तो भारतीय जनता पार्टी में निर्णय ऊपर से होते हैं, उमा भारती क्या मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में हो सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी इस पर इस समय कुछ भी नहीं कहना चाहती। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।